हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कटोरी के बारे में जानकारी दूंगी। क्या हो जाता है जो कटोरी हम निकालते हैं तो जैसे तैयार करने के बाद ऐसा किसी किसी कोई बोलता है कि ये कटोरी जो है वो चपटी हो जाती है। तो कटोरी चपटी नहीं होती है, उसके सिलने में आपका प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए कटोरी का प्रॉब्लम बनता है। जब हम मेजरमेंट के साथ कटोरी निकालते हैं, जब मेजरमेंट के साथ हम कटोरी को निकालते हैं और ये साइड का जो पार्ट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक हम कटोरी जो निकालते हैं तो इसे जैसे इसे हम यहाँ पे इसको रखने के बाद हम कटोरी को निकालते हैं तो ये पार्ट जो है एकदम परफेक्ट आना चाहिए। तो ये पार्ट परफेक्ट नहीं आता है, इसीलिए आपको कटोरी का पार्ट जो है वो ये हो जाता है, जैसी कटोरी जो है वो चपटी हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद जैसे कटोरी जब भी आप स्टिच करते हो तो कटोरी स्टिच करते वक्त आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है वो लेनी है 1.5 इंच पे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इसकी यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करना है। अब ये लंबाई के हिसाब से हमें ये टक्स पॉइंट रहता है। जैसे लंबाई ज़्यादा होगी तो आपका टक्स पॉइंट जो है वो ज़्यादा आएगा, लंबाई कम होगी तो आपका टक्स पॉइंट जो है वो कम आएगा। तब देखिए 2.5 इंच या 2.75 इंच लंबाई जो जैसी है तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है। लेने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो कपड़ा जो है उसको कट भी कर सकते हैं, हल्का इस साइड में 1/4 इंच की सिलाई रखने के लिए रखना है। और यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपको ये स्टिच करना है। अभी स्टिच करने के बाद ये कटोरी का पॉइंट जो है वो हम स्टिच करते हैं। स्टिच करने के बाद ये कटोरी जो साइड की कटोरी जो आती है ये आपको क्या करनी है, जैसे यहाँ से आप लगाना शुरू करेंगे तो ये कटोरी परफेक्ट यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। क्या हो जाता है कभी कभी, अभी ये टक्स पॉइंट लगाने के बाद ये कटोरी का पॉइंट कटोरी जो है वो एकदम परफेक्ट बैठती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जब भी सिलाई करते हैं तो नए सिलने वाले होते हैं उनसे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे ये कपड़ा जो है कटोरी के साइड का जो पार्ट है इसे हल्का सा खींच लेते हैं, नहीं तो कटोरी का जो पार्ट है उसको खींच लेते हैं। कपड़े को, दोनों कपड़े को खींचना ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से हल्के हाथ से आपको ये दोनों पार्ट जो है वो ज्वाइंट करना है। अब देखिए, यहाँ पे आप इस तरह से कटोरी जो है यहाँ पे लगाओगे तो हमारा क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, जो कटोरी का पार्ट है, जैसे कमेंट्स बॉक्स में पूछा गया कि ये कटोरी का पार्ट जो है वो ज़्यादा होता है। अब ये कटोरी का पार्ट आप यहाँ से कट करोगे तो आपकी कटोरी जो है वो चपटी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका टक्स पॉइंट जो है, यहाँ पे आपकी कटोरी जो है इस तरह से नहीं बनेगी, आपकी कटोरी जो है बहुत ही ऐसी डीप बनेगी। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से जब हम गले से शुरू करते हैं लगाना तो यहाँ पे आपकी कटोरी जो है इसके पार्ट के साथ ये कटोरी का पार्ट जो है वो सेम आना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, कभी कभी जो नए सिलने वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है ये कटोरी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। अभी इसको कट करने के बाद हमारा कटोरी का टक्स पॉइंट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे एक साइड में थोड़ा सा आ जाता है या तो ये एक साइड की कटोरी जो है वो कम करते हैं हम, तो इससे क्या हो जाता है, एक कटोरी जो है वो चपटी आ जाती है, इसका जो कटोरी का जैसा टक्स पॉइंट चाहिए वैसा नहीं आता है, तो ये गलती हो जाती है। तो कभी कभी क्या करना है, जैसे आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ये टक्स पॉइंट जो है जैसे यहाँ से तो जिनका हाथ बैठा है सिलाई काम में तो एकदम परफेक्ट सिल लेते हैं, लेकिन ये जो नए हैं या कटिंग नए सीख रहे हो तो जब भी आप सिलते हो तो ऐसा थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, फिर इसका भी तरीका मैं बता देती हूँ। जब हम ऐसा होता है, हर वक्त हमारी कटोरी थोड़ी सी ज़्यादा आती है हमसे, तो हमें क्या करना है, इस साइड से ज्वाइन करना शुरू करना है। इस साइड से आप ज्वाइन करोगे, हल्का आपका गले के ऊपर इस तरह से आएगा तो आप ये गले के ऊपर कट करेंगे तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे आप कटोरी का जो पार्ट है यहाँ से कट करोगे तो ये कटोरी जो है ये थोड़ी तिरछी हो जाती है, ये गलत बैठती है या कटोरी की चपटी हो जाती है, कटोरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये ब्लाउज जो है ठीक से नहीं बैठता। तो आपको क्या करना है, ऐसा आपसे हो जाता है, जैसे सिलाई में कभी कभी हो जाता है या कटिंग में आपकी थोड़ी सी गलती हो जाने पर भी आपका कटोरी का पार्ट जो है वो कम ज़्यादा निकलता है,
तो ऐसा नहीं करना है, आप तो कटिंग को एकदम अच्छे से वीडियो को देख के कटिंग करो। इस तरह से कटिंग करते हो तो भी आपका कटोरी का पार्ट जो है वो थोड़ा आपसे ज़्यादा होता होगा, ऐसा तो होता नहीं है, एकदम परफेक्ट बैठता है, फिर भी थोड़ा कम ज़्यादा होता है आपसे सिलाई में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिलाई करना शुरू करना है। नीचे के साइड से हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, हल्का सा आपका ऊपर के साइड में आ जाए है, तो यहाँ पर आप गले के ऊपर इस तरह से कट करोगे तो ये इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो कटोरी का पार्ट है वो ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, जैसे कटोरी चपटी होती है उसका सॉल्यूशन क्या है ये मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप सिलाई करते वक्त कटिंग करते हो, जैसे मेरे तरीके से मैंने जो बताई है कटिंग उस तरीके से करते हो, तो कटोरी या साइड का पार्ट जो है वो कम ज़्यादा नहीं होता है। तो होता है तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ सिर लगाना है और कटोरी जो है यहाँ तक ज्वाइन करनी है। यहाँ से भी परफेक्ट आती है लेकिन थोड़ी सी हो जाती है कम ज़्यादा, तो यहाँ पे गले के ऊपर आप कट करोगे तो ये कटोरी का प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कटोरी के बारे में आपको जानकारी दी है, आपको मतलब कमेंट्स बॉक्स में पूछा गया था कि कटोरी जो है वो जैसे ज़्यादा हो जाती है, साइड का पार्ट जो है उससे मतलब कम होता है, और कटोरी का जो पार्ट होता है ये साइड में थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ जाता है, तो उसको कट नहीं करना है, आपको ये खोलना है। पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो रफ़ सिलाई लगा के, जैसे हम खोल भी सकते हैं जल्दी, ऐसे रफ़ सिलाई आपको बड़ी सिलाई लगानी है। तो पहले आपको कटोरी को ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद आपको जैसे आप नॉर्मल सिलाई लगाते हो वैसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये कटोरी जो है वो चपटी क्यों हो जाती है इसके बारे में आई मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।